तो गाइस देखो लिट्टी को कैसे बंद किया जाता है, आज मेरी मम्मी सिखाएगी हमको। जरा कभी मेरी नजर से खुद को। तो आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? तो मैं इंटरव्यू देने के लिए हूँ। नाम क्या है? मैं बस्ती का हस्ती ब्रो। अच्छा, बस्ती का हस्ती। लेकिन तो आप काम क्या करते हैं? मुंबई में बचा लेगा बच्ची को। और क्या हो गया? तो फिर बचा लिया तो सारे पागल हो गए पब्लिक लोग। ऐसे कुछ बोलता है। तो वैसे हे गाइस गुड मॉर्निंग, राते राते वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल तो इनकी शुरुआत एक छोटे से कॉमेडी सीन के साथ। चलो करते हैं। क्या दिखाने वाला था? कॉमेडी था तो क्या था? वो बोला था, अश्लील था। अश्लील हो गया लौंडा आपका। नहीं हमको नहीं देखना, हम नहीं देखना, सपना में बचा लिया बच्ची को, पागल हो गए सारे आंटी लोग। मैं शरीफ बन रहा हूँ, आई एम वेरी शरीफ, SHREEF। आज हम तो उठने के साथ ही मना आ गया क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना कि भाई मैंने बोला कि छोड़ो भाड़ में गया सब कुछ, सबसे पहले चल के फ्रेश हो जाओ क्योंकि यार गर्मी और पानी और भाई सब फ्रेश होना नहाना बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो गाइस फिर आज चलो अभी अपना चल के लंच करते हैं। आज लंच में है अंगूरे का रस, रोटी और सब्जी। तो चलो फिलहाल अभी टीवी देखते देखते मस्त इंजॉय करते हैं अपना लंच। हाँ जी गाइस, तो अभी फिलहाल दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं अपने गेमिंग चैनल के लिए मतलब कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा था क्योंकि बहुत सारे स्क्रिम्स चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें होने लगी है, बैक ऑन रोड आ चुका है। तो फिलहाल अभी मैं अपना वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मतलब कि उसको एक्सपोर्ट कर दिया है बनाकर। और देखो मम्मी ने क्या बनाया, मम्मी ने ये बनाया है मैंगो का, कच्चा आम का, एकदम खट्टा एकदम मीठा और चटपटा सा ये है मैंगो का जूस और काफ़ी हेल्दी है। तो फिलहाल अभी मैं ये पीता हूँ और सबसे पहले वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग सपोर्ट करो, व्लॉग तो देख ही रहे हो और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है लिटरली। देखो क्या हालत हो रखा है बाहर, तो भाई कभी कभी बारिश हो जाती है तो मज़ा भी आता है बट ऐसे में तो हालत ख़राब हो जाती है। और आसमान तो बिल्कुल साफ है बट, और जैसे कि भाई कभी चैलेंजेस वगैरह मिल रहे हैं लीजिए भाई के पेलता हूँ। आ रहे आ रहे जाना, चल ये पीता हूँ और जाके पेलता हूँ बनते। फिलहाल मम्मी देखो इधर आराम कर रही है। अरे यार आप क्यों नहीं खिलाते यार, एकदम गजब है, हम खिलाएंगे तभी होगा। लीजिए खाइए। पहले तो यार डर से पानी ना पीते दो पानी। मम्मी आप बिना एकदम गजब कर, लगता है कि आप खिलाओगे तो क्या हो, मतलब कि अलग ही है सारा पुण्य हम लोग कमाए। मम्मी नहीं आज फिर गाँव में आए थे तो इनको भी मतलब रोटी बनता है तो दे देते हैं। फिलहाल तभी मैं अपना फ़ोन ही चार्ज करूँगी, तभी मैंने फिलहाल अपना वीडियो अपलोड कर दिया और दूसरे चैनल पर भी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ तो देखना मत भूलना। चलो पहले मैं अपना काम करता हूँ, उसके बाद शाम में कहीं बाहर चलेंगे घूमने के लिए, घूमने नहीं मतलब कि एज यूजुअल शॉपिंग करने या फिर आलू वालू लाने के लिए, मतलब ऐसी सब्जी नॉर्मल घर का काम। हश गाइस, तब मैंने फिलहाल फेस वॉश कर लिया क्योंकि यार गर्मी आती है ना तो पूरा फेस ऑयली ऑयली हो जाता है। तो हाँ कम से कम अपना स्किन का केयर तो खुद ही करना पड़ेगा, कौन करेगा। तो अपना स्किन का केयर मैं सिंपल से पानी से धोकर करता हूँ, कुछ मैं यूज़ नहीं करता हूँ। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकेले रहो, ज़्यादा फोकस रहोगे और जो सोचा है ना उस पर आप आगे बढ़ सको और आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। बाकी सबकी अपनी अपनी लाइफ, अपनी अपनी ज़िंदगी। वैसे ही है क्या हमने सूखा होता आम का? अच्छा आमचूर का पाउडर बनाओगे? बना रहे थे हम मिट्टी। क्या कुछ क्या? ओके अब बन गया कुछ और। गाइस फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सोच रहा हूँ एक राउंड नहा लूँ। और फिलहाल यहाँ मम्मी कर रही है डिनर का तैयारी। तो बस आज के दिन में भी उतना कुछ नहीं हुआ बट जो किया मैंने आपको दिखाया। फिलहाल अभी बाहर जाने का प्लान था बट वो कैंसिल हो गया, आप कल ही जा कर ले आऊँगा। तो गाइस देखो लिट्टी को कैसे बंद किया जाता है, आज मेरी मम्मी सिखाएगी हमको। मैं जब बंद कर रहा हूँ ना तो भाई लिट्टी फट जा रहा है, इसलिए मम्मी देखो अभी आपको सिखाएगी। अबे स्किप हो गया मम्मी, ये तो फिर से करके दिखाओ। सबसे पहले यहाँ पर आटा को गोल किया जाता है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा सत्तू का मिक्सचर डाला जाता है और बस गोल 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 गोल। मेरे पलक झपकाते ही मम्मी
इधर गोल करके दबा के बस खत्म इधर। तो चलो फाइनली अभी आपको एक गाना सुनाता हूँ, एंजॉय करो। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया, ना वो के भी करीब तू हमेशा पास था। तो फाइनली अभी हम लोग अपना डिनर करते हैं, जैसा कि बताया करकरादरी हुई लिट्टी सब्जी एंड चटनी। तो फिलहाल बस अभी मैं जा रहा हूँ, नहाऊंगा खा पी कर मस्त, और मिलता हूँ आप सबसे कल के ब्लॉग में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, सी यू टुमारो गाइस।